एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। ड्रागन को एथर महंगा पड़ दक्षिण चीन सगर में दादागिरी एकाठी होती आसियान समूह देश आसियान मंच में मोदी देले बड़ आह्वान 30 वर्ष रे अधिक मजबूत हो पारी आसियान गोष्ठी आसियान सम्मेलन को संबोधित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे कोरोना महामारी जोगु समस्त को अनेक आह्वानर सम्मुखीन होगा पड़ी आई चैलेंज समय भारत एवं आसियान गोष्ठी मध्य बंधुत्वर एक बड़ परीक्षा थी किंतु एवं से आश्वस्त जे कोरोना भली लड़ई सह सबु बंधु राष्ट्र एक हो लड़ी परस्पर को सबु प्रकार साहाय्य भारत एवं आसियान गोष्ठी राष्ट्र मानी बंधुत्व को अधिक मजबूत वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। तबे जानी रखंतु जे एशिया महादेश रे कोनोसी भी आपातत तो परिस्थिति को चैलेंज करबा पई दक्षिण पूर्व एशियार राष्ट्र समूह को गोष्ठी होउची आसियान। चलित थरर 18तम आसियान भारत सम्मेलन आसियान भारत सहयोगी रणनीतिर स्थिति समीक्षा एवं कोविड-19 स्वास्थ्य वाणिज्य व्यवसाय संजोगीकरण एवं शिक्षा और संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्र में अग्रगतिर आकलन करने नहीं विशेष आलोचना करा जाएगी। तासहित कोविड परवर्ती अर्थनैतिक पुनरुद्धार सहित गुरुत्वपूर्ण आंचलिक एवं आंतर्जातीय विकास उपर मध्य विशेष फोकस दिया जाएगी। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खानपान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। तबे प्रतिवर्ष आसियान एवं भारत सम्मेलन अनुष्ठित हुए एवं भारत आसियान राष्ट्र समूह को सर्वोच्च स्तर रे सहयोग देबा पाई सुजोग प्रदान करिथाए। आसियान भारत रणनीतिक सहयोग भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सभ्यता संपर्क एक दृढ़ मूलद्वा उपरे छिड़ा होइछि। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। भारत व्यतीत इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपाइंस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एवं म्यांमार मध्य आसियान सम्मेलन रे एथर अंशग्रहण करुछंती। समय रे चीन रो वृद्धि पाउथवा प्रभाव रे असुविधा रे पड़ुथवा देश मानकर दृढ़ स्वर उठेबा पई एही सम्मेलन बेस गुरुत्वपूर्ण होइ पड़िछि, जेउटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एक विशेष भूमिका निर्वाह करिछंती। वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे एवं आसियान भारतर बंधुत्वपूर्ण संपर्क 30 वर्ष एथर पूरण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।